वेलकम स्टूडेंट्स इन माय यूट्यूब चैनल अमित गुप्ता ड्रग फार्माकोलॉजी। टुडे वी डिस्कसिंग द नेक्स्ट टॉपिक योर एनाटॉमी फिजियोलॉजी इज स्केलेटन सिस्टम्स। बेसिकली हम देखें तो स्केलेटन सिस्टम जो है आपका वी फॉर्म के फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट नंबर सेकेंड का सेकेंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर हमने कल फिनिश किया था इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम्स। अब हम आज डिस्कस करेंगे सेकेंड चैप्टर ऑफ सेकेंड यूनिट। वो सेकेंड चैप्टर ऑफ सेकेंड यूनिट इज़ द स्केलेटन सिस्टम्स। नाम भी बता रहा है स्केलेटन सिस्टम, यानी कि यहाँ पर जो हमारी बॉडी का स्केलेटन का फॉर्मेशन जिसकी वजह से होता है, बॉडी का पूरा जो शेप प्रोवाइड करने वाला जो फ्रेमवर्क है उसको उसी क्या बोलेंगे स्केलेटन सिस्टम। बेसिकली इसमें ये वेरियस टाइप्स की बोन्स होती हैं और बोन्स इंक्लूड होकर क्या बनता है स्केलेटन सिस्टम बनता है। ठीक है, स्केलेटन में बेसिकली आपकी बोन के साथ में कुछ मसल्स भी आते हैं जैसे हम स्केलेटन मसल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो स्केलेटन सिस्टम इतने इस तरह की कह सकते हैं कि इसमें बोन्स भी होंगी, कुछ जगह आपको बोन्स ही मिल जाएंगी, कुछ जगह आपको बोन्स और मसल्स दोनों ही मिलेंगे। ठीक है, तो बी स्टार्ट द स्केलेटन सिस्टम्स। द स्केलेटन सिस्टम कंपोज ऑफ बोन कार्टिलेज लिगामेंट एंड जॉइंट दैट परफॉर्म द एसेंशियल फंक्शन फॉर द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, जो स्केलेटन सिस्टम है वो आपके बोन है, कार्टिलेज है, लिगामेंट है और जॉइंट से मिलकर बना हुआ होता है जो बॉडी के बहुत ज़रूरत वाली फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम्स, द स्केलेटन सिस्टम प्रोवाइड ए सपोर्ट ऑफ सॉफ्ट टिश्यू एंड प्रोवाइड अटैचमेंट पॉइंट और द टेंडेंस ऑफ मोस्ट स्केलेटन मसल्स। एक तरह से स्केलेटन मसल्स के स्केलेटन सिस्टम क्या करता है, हमारे जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करते हैं जो जिससे कि मसल्स हमारी इन बोन्स से अटैच रहती है थ्रू टेंडेंस के थ्रू। टेंडेंस आर द दोस्ट टिश्यू दैट अटैचेस द बोन मसल्स टू बोन्स। ठीक है, तो टेंडेंस की हेल्प से क्या होती है, मसल्स जो होती है स्केलेटन मसल्स वो आपकी बोन्स पे जाके अटैच हो जाती है या उससे लगी हुई होती है। इसके अलावा द स्केलेटन सिस्टम प्रोटेक्ट द मोस्ट इंटरनल ऑर्गन्स फ्रॉम द इंजरी। फॉर एग्जाम्पल क्रेनियल बोन्स प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड वर्टीब्रा प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड एंड द रिब्स केज प्रोटेक्ट द लंग्स एंड हार्ट। इसके अलावा जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है वो बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, जैसे हमने बात की क्रेनियल के अंदर जैसे ब्रेन रखा होता है ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं क्रेनियल बोन। वर्टीब्रा जो कॉलम होती है वर्टीब्रा कॉलम में आपका स्पाइनल कॉर्ड होती है तो स्पाइनल कॉर्ड भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इसी तरीके से रिब्स केज में हमारे लंग्स रखे हुए हैं, इसके अलावा हार्ट है तो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम ये कर रहे हैं। द मोस्ट स्केलेटन मसल्स अटैच टू द बोन व्हेन दे आर कॉन्टैक्ट एंड प्रोड्यूस ए मूवमेंट ऑफ द बॉडी। और स्केलेटन मसल्स जो होती है वो सब बोन्स से अटैच होती है, जब ये स्केलेटन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है तभी हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के मूवमेंट्स का इंट्रोडक्शन होता है, मूवमेंट डिफरेंट टाइप के मूवमेंट हो के की पॉबिलिटी हो पाती है। बोन टिश्यू स्टोर सेवरल मिनरल्स स्पेशली कैल्शियम फास्फोरस विच कंट्रीब्यूट टू द स्ट्रेंथ ऑफ द बोन्स। यानी कि इसके अलावा क्या है कि हमारी जो बोन टिश्यू होते हैं इसमें डिफरेंट टाइप के जो आपके मिनरल्स होते हैं वो स्टोर रहते हैं, जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस है, जो हमारी बोन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसके अलावा सॉरी सर्टेन लॉन्ग बोन्स कंटेन रेड बोन मैरो। जो लंबी हस्थियाँ होती हैं हमारी, लंबी बोन्स होती हैं हमारी बॉडी की, उनके अंदर क्या होते हैं बोन मैरो होती है और बोन मैरो प्रोड्यूस करती है आरबीसी प्लेटलेट्स के लिए, जिस प्रोसेस को हम हीमोपोइसिस कह सकते हैं। ठीक है, तो दे आर द मेन फंक्शन ऑफ द स्केलेटन सिस्टम। पहले बताया था सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, दूसरा बताया था प्रोटेक्शन फ्रॉम द इंटरनल प्रोटेक्शन टू द इंटरनल ऑर्गन्स और फ्रॉम द इंजरी। थर्ड इज द मूवमेंट ऑफ बॉडी का पता है। लास्ट थर्ड फोर्थ वन इज द स्टोर ऑफ फेरल मिनरल्स एंड लास्ट वन इज द प्रोड्यूसिंग द आरबीसी डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, जिसे हम हीमोपोइसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, सॉरी अब आते हैं डिवीजन ऑफ स्केलेटन सिस्टम में। बेसिकली स्केलेटन सिस्टम का डिवीजन की बात करें तो वैसे हमारे बोन्स जो होते हैं पूरी बॉडी की उसमें 206 बोन्स प्रेजेंट होती है, 206 बोन्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। और इसको हम डिवाइड किया दो पोर्शन में, एक एक्सियल स्केलेटन में और दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटन में। ठीक है, तो इसी की डिवीजन को हम इसमें पढ़ेंगे एक्सियल और अपेंडिकुलर में। द एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 206 बोन्स। द स्केलेटन ऑफ इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन हैव मोर देन 206 बोन्स बिकॉज सम ऑफ देयर बोन्स आर फ्यूज लेटर इन देयर लाइफ, फॉर एग्जाम्पल हिप बोन्स एंड सम ऑफ बोन ऑफ वर्टीब्रा कॉलम। ठीक है, तो एडल्ट में बेसिकली कितनी होती है, 206 बोन्स होती हैं, 206 बोन्स होती हैं, लेकिन इन्फेंट्स और चिल्ड्रन की बात करें तो उनमें आपकी 206 से 206 से मोर देन बोन्स प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि ये बोन्स बाद में क्या होती हैं फ्यूज़ हो जाती हैं, फ्यूज़ होकर एक बोन बना लेती हैं और जैसे जैसे ये बोन जुड़ गए, तीन बोन जुड़ गए एक बोन बना लेगी, तो
तो बोन्स की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम होती चली जाती है। जैसे एग्जाम्पल बात करें हिप बोन, हिप बोन बेसिकली आपके जो होती हैं वो आपकी एडल्ट में दो होती हैं, लेकिन हम अगर अगर हम इन्फेंट्स में या चिल्ड्रन में देखते हैं छोटे बच्चों में, तो उसमें क्या होती है, हिप बोन में तीन पार्ट्स होते हैं, वो आपस में फ्यूज़ होकर बाद में एक बन जाते हैं। जैसे इनकस, इनकस होता है, इनकस के अलावा देखा इनकस है, कोकायस है, ऐसे कुछ तीन पार्ट होते हैं, मेरे नाम भी एकदम ध्यान नहीं है। तीन बोन्स होती हैं वो आपस में फ्यूज़ हो जाती हैं। इसी तरीके से आपकी वर्टिब्रा में होती हैं, वर्टिब्रा में बेसिकली हम बच्चों में बात करें तो लगभग 33 वर्टिब्रा को बोन्स होती हैं, लेकिन जब एडल्ट कंडीशन में आती है तो वो घट के कितनी 26 हो जाती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी स्कैरल रीजन की बोन्स होती हैं, कोकायल रीजन की बोन होती हैं, वो आपस में फ्यूज़ होकर एक सिंगल बोन का फॉर्मेशन कर लेती है, जिसकी वजह से क्या होती हैं, बोन एडल्ट में कम हो जाती हैं और बच्चों में ज़्यादा होती हैं। बच्चों में क्या होती हैं, बोन बोन जुड़ी हुई नहीं होती हैं, बोन बच्चों से जैसे वो एडल्ट की तरफ बढ़ते हैं वैसे वो बोन जुड़ उड़ के चार बोन दो बोन मिलकर एक बोन का फॉर्मेशन कर ले, जैसे कि बोन क्वांटिटी कम होती चली जाती है। ठीक है, बोन ऑफ द स्केलेटल मसल्स आर ग्रुप इनटू द टू डिवीजन ग्रुप, जो हम अगर बोन्स की बेसिकली डिवाइड करें तो दो डिवीजन डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट ए इज द स्केलेटल सिस्टम, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और वी इज द एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। द एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, द एक्सियल स्केलेटल सिस्टम्स क्या होता है कि एक्सियल स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 80 बोन्स, इट कंसिस्ट स्कल बोन, आर्टरी ऑसिल्स, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, हायर्ड बोन्स, रिब्स एंड बोन ऑफ वर्टिब्रा। ठीक है, तो एक्सियल स्केलेटन में बेसिकली कितनी बोन होती हैं, 80 बोन्स प्रेजेंट होती हैं, 80 बोन्स होती हैं, जिसके अंदर स्कल्स का बोन पूरी आती हैं, हमारे खोपड़ी की सभी बोन आ जाती हैं, आर्टरी ऑसिल्स जो हमारे कान में प्रेजेंट होती हैं वो भी आती हैं, हायर्ड बोन्स जो हमारे कलर कलर बोन जिसे बोलते हैं, तो हायर्ड बोन्स जो हमारी जिस कलर के नीचे मतलब गर्दन के नीचे होती है वो होती है, रिब्स है और बोन ऑफ वर्टिब्रा होती हैं। तो ये सभी मिलकर कितनी क्या बनाते हैं, एक्चुअल स्केलेटन में आते हैं, जहाँ पर नंबर ऑफ बोन कितनी होती हैं, 80 होती हैं। फिर आते हैं नंबर बी इज द अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में कितनी बोन होती है, नंबर जिनको इनमें नंबर 126 बोन्स होती हैं, जो कि हमारी इट कंसिस्ट ऑफ अपर बोन ऑफ अपर एंड लोअर लिम्स एंड बोन ऑफ पेक्टोरल ग्रेड एंड पेल्विक ग्रेड, यानी कि हमारी ये जो हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन है उसमें हमारे अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स की बोन होती हैं, अपर लिम्स और लोअर लिम्स के साथ साथ उनमें जो ग्रेडल होते हैं, जैसे अपर लिम्स में क्या होता है पेक्टोरल ग्रेडल होती है उसकी बोन्स भी आती हैं, और लोअर लिम में आपकी पेल्विक ग्रेडल होता है तो पेल्विक ग्रेडल की बोन्स भी इंक्लूड होती है। टोटल मिला के बोन कितनी होती है, 126, किस में, अपेंडिकुलर में, और एक्सीएल में कितनी होती है, 80। ठीक है, अब जैसे ये डिवीजन दे रखा है आपका, आप इसे समझ सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं फर्स्ट नंबर इसकी बात करते हैं स्कल्स की, जस्ट मिनट मैं पेन ले लेता हूँ तो और अच्छा आपको क्लियर हो पाएगा। पहले हम बात करते हैं किसकी, एक्सेल स्केलेटन, एक्सेल स्केलेटन में कितनी नंबर बोन होती हैं, 80। जोड़ें तो कैसे, जैसे स्कल, स्कल में क्रेनियम में कितनी होती हैं, 8 बोन होती हैं, फेस में कितनी होती हैं, 14 होती हैं। ठीक है, फिर हायर्ड बोन होती है जो हमारे गले के नीचे होती है, जैसे एक होती है क्वांटिटी में, फिर ऑर्डरी ऑसिल्स हैं, फिर ऑर्डरी ऑसिल्स हैं, ऑर्डरी ऑसिल्स भी कितनी होंगी आपकी, 6 होती हैं, फिर वर्टिब्रा कॉलम होती हैं, 26 हो गई, फिर थोरैक्स में एक स्टर्नम होगी, एक स्टर्नम होती है और एक स्टर्नम होने के बाद में एक रिब्स होती है। अगर टोटल बोन देखेंगे आपको 8 कहाँ हो गई आपकी क्रेनियम पोजिशन में, फेस में 14 हो गई, स्कल में कितनी हो गई, 22, फिर हायर्ड बोन एक होती है, फिर ऑर्डरी ऑसिल तीन और तीन 6, एक लेफ्ट में और राइट में ईयर में होगी, तीन तीन लेफ्ट में तीन राइट में, वर्टिब्रा में कितना होता है, 26 होता है, थोरैक्स में बात करें तो एक स्टर्नम होता है और लगभग 24 पेयर रिब्स होती है, जिसे हम 24 बोन नंबर बोन्स कह सकते हैं। इन सभी को एडिशन करेंगे कितना हो जाता है, इन सभी को ऐड करने कितना होगा, 80, यानी एक्सेलरेशन कितनी बोन होती है, 80 हो जाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, अपेंडिकुलर की। अपेंडिकुलर में क्या होगा, अपेंडिकुलर देखेंगे तो अपेंडिकुलर में दिस इज द अपेंडिकुलर स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन में देखेंगे तो आपका सबसे पहले हमारे पास पेक्टोरल ग्रेडल आती है, दिस इज द अपेंडिकुलर। जैसे सबसे पहले क्या आएगा आपका पेक्टोरल ग्रेडल है, पेक्टोरल ग्रेडल में क्या होगा, क्लेविकल, क्लेविकल कितनी होंगी, दो होंगी, एक लेफ्ट में एक राइट में, फिर स्कैपुला, स्कैपुला भी कितनी, दो होंगी, एक लेफ्ट में एक राइट में, टोटल मिला के 4 बोन हो गई। फिर आते हैं अपर लिम्स में दोनों हाथ में दोनों दो बोन होंगी, जस्ट डबल होंगी, ह्यूमरस दो, एक लेफ्ट में एक राइट में, फिर अल्ना दो लेफ्ट में राइट में, रेडियस भी दो, कार्पल्स 16, 8 लेफ्ट में होंगी 8 राइट में होती हैं, फेलेंजियस वो बेटा कार्पल्स कितनी, कार्पल्स कितनी होती, सॉरी बेटा कार्पल्स कितनी होती है, 10, 5 राइट में 5 लेफ्ट में, फेलेंजियस कितनी होंगी, 14 होती हैं, टोटल 28 हो गया। फिर इसके बाद हम आते हैं लोअर लिम्स की, पेल्विक ग्रेडल में, पेल्विक ग्रेडल में देखें तो आपकी दो बोन होती हैं और ये आपकी कॉक्सल बोन होती है, एक लेफ्ट में बोन होती है, एक राइट में बोन होती है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं लोअर लिम्स में, लोअर लिम्स में देखें तो फीमर जो दो होंगी लेफ्ट में राइट में, पटेला जो हमारा नी का फॉर्मेशन करता है दो होंगी, एक लेफ्ट में राइट में,
फिर फिबूला दो होंगी, ये भी टिबिया ये भी दो होंगी लेफ्ट राइट मिला के। टार्सस जो फोटेज होती हैं सेवन आपके राइट एकल में होंगी और सेवन आपकी लेफ्ट एकल में होती हैं। फिर उसके बाद मेटाटार्सस 10 होती हैं जो हमारे फुट का फॉर्मेशन करती हैं, दैट इज द फाइव बोन्स इन द लेफ्ट एंड फाइव बोन्स इन द राइट, टोटल मिला के 10। एंड लास्ट में इज द फेलेंजेस, ये कितनी होंगी, 28 होंगी, 14 आपकी लेफ्ट में, 14 आपकी राइट लोअर लिम्स में। अब इन सबका एडिशन करते हैं कितनी होती है, 126, यानी 126 बोन कहाँ प्रेजेंट है आपकी एपेंडिकुलर स्केलेटन में और 81 के कहाँ प्रेजेंट है एक्सटर्नल स्केलेटन में। अगर दोनों को 126 प्लस 80 करते हैं कितनी आती है, 206, यानी 206 बोन आपकी बॉडी में प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये हो गया आपका डिवीजन ऑफ स्केलेटन सिस्टम्स, और इसको भी आप देख सकते हैं फिगर को, डिफरेंट टाइप की बोन का स्ट्रक्चर आपका, एक तो आपका पोस्टीरियर पोर्शन दे रखा है फिगर और एक आपका इंटीरियर पोर्शन से दे रखा है, आपसे दोनों को आप समझ सकते हैं, बोन को देख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं टाइप ऑफ बोन्स पर, बोन्स हमारी बॉडी में कितने टाइप्स की होती हैं। द ऑल बोन ऑफ द बॉडी कैन बी क्लासीफाइड ऑन देयर सेफ इनटू द फाइव मेन टाइप, वैसे कि हमारी बॉडी में जो बॉडी में जो बोन्स हैं उसको क्लासीफाई किया फाइव बोन्स में। फर्स्ट है लॉन्ग बोन्स, फिर शॉर्ट बोन्स, थर्ड फ्लैट बोन्स, नंबर फोर्थ इरेगुलर बोन्स और नंबर लास्ट इज द सिग्माइड बोन्स। तो वन बाय वन हम बोन को डिस्कस करते हैं। पहले लॉन्ग बोन्स, लॉन्ग बोन्स हैव ए ग्रेटर लेंथ देन ए विड्थ एंड आर स्लाइटली कर्व फॉर स्ट्रेंथ, मतलब ये क्या होंगी, लंबी बोन्स होती हैं, इनकी लंबाई ज़्यादा होगी विड्थ से कम, ज़्यादा चौड़ाई के कंपेयर में देखें तो, और बीच में हल्का सा ऐसे कर्वेचर होता है और द कर्वेचर एब्जॉर्व द स्ट्रेस द बॉडी वेट एंड एट द सेडल पॉइंट, और कर्वेचर जो नेचर होता है वो हमारी बॉडी के वेट को ये बियर करने के काम में आता है, जिससे कि सेंटर ऑफ मास बोन का टूटने का चांस कम से कम हो पाए। ठीक है, लॉन्ग बोन्स कंसिस्ट मोस्टली द कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू इन दियर डायफेसिस, डायफेसिस मतलब किनारा वाला पोर्शन, यानी कि लॉन्ग बोन्स में मेनली कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू क्या होंगे आपके, डायफेसिस मतलब बीच वाला पोर्शन, बीच वाले पोर्शन में क्या होती है कॉम्पैक्ट बोन होते हैं, डायफेसिस यानी कि बीच वाला पोर्शन ऑफ लॉन्ग बोन्स उसमें क्या होंगी कॉम्पैक्ट बोन होती है, बट हैव सेम अमाउंट ऑफ स्पॉन्जी बोन टिश्यू इन दियर एफिडेसिस, मतलब एफिडेसिस मतलब कि किनारे वाले पोर्शंस, इसमें आप ज़्यादा अमाउंट में कौन से होंगे स्पॉन्जी बोन टिश्यू होते हैं, जैसे कि आपके लॉन्ग बोन के एग्जांपल की बात करें फीमर है, हिमरस है, टिबिया, फिबुला, रेडियस, अल्ना, दी ज़्यादा सब लॉन्ग बोन्स। अब आते हैं शॉर्ट बोन्स पे, शॉर्ट बोन्स आर क्यूबिक शेप एंड आर नियरली इक्वल लेंथ एंड विड्थ, शॉर्ट बोन्स होंगे वो आपकी क्यूब शेप की होती हैं जिसकी लेंथ और विड्थ लंबा लंबा बराबर होती है। दे कंसिस्ट ऑफ स्पॉन्जी बोन टिश्यू एक्सपेक्ट द सर्फेस हैज ए थिन लेयर ऑफ कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू, इसमें बेसिकली ये बोन होंगी जितनी भी आपकी स्पॉन्जी बोन टिश्यू से बनी होती है, लेकिन उनकी जो सर्फेस होती है वो कवर किससे होती है कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू से होती है। फॉर एग्जाम्पल कार्पल्स बोन है, टार्सल्स बोन से, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ शॉर्ट बोन्स, कार्पल्स यानी कि हमारी रिस्ट बोन जो है हैंड के रिस्ट में प्रेजेंट होती है, टार्सल यानी कि एकल बोन जो हमारी एड़ी में प्रेजेंट होती है। नंबर सी फ्लैट बोन्स, फ्लैट बोन आर ए थिन एंड कॉम्पैक्ट थिन एंड कम्पोज ऑफ टू नियरली पैरेलल प्लेट्स ऑफ कॉम्पैक्ट बोन इंक्लोजिंग ए लेयर ऑफ स्पॉन्जी बोन टिश्यू, यानी जो फ्लैट बोन होंगी बहुत ज़्यादा चपटी होती है, बेसिकली ये आपकी दो लेयर ऑफ क्या कहते हैं कॉम्पैक्ट बोन से बनी होती है, जिसमें एक सिंगल लेयर बहुत पतली लेयर किसकी होती है स्पॉन्जी बोन टिश्यू की, स्पॉन्जी बोन्स टिश्यू की होती है। तो ज़्यादा पोर्शन में क्या है कॉम्पैक्ट बोन है, दो लेयर कॉम्पैक्ट बोन होंगी, जैसे सैंडविच मान लीजिए, सैंडविच जैसी होती है तो एक ब्रेड सैंडविच का पोर्शन मान सकते हैं, जैसे एक लेयर ऊपर हो गई वो कॉम्पैक्ट बोन की हो गई और दो लेयर हो गई कॉम्पैक्ट बोन की हो गई, इसके बीच में क्या भरा हुआ है आपका स्पॉन्जी बोन बना हुआ है। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है वो किसका होता है फ्लैट बोन का होता है। फ्लैट बोन प्रोवाइड प्रोटेक्शन एक्सटेंशन फॉर द मसल्स अटैचमेंट, फ्लैट बोन होती है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, साथ में मसल्स के अटैचमेंट के लिए पॉइंट प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल है क्रैनियल बोन्स प्रोटेक्ट द ब्रेन, जैसे कि क्रैनियल बोन वो भी फ्लैट बोन का एग्जाम्पल है जो हमारे स्किल में प्रेजेंट होती है, ये ब्रेन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और फॉर इसी तरीके से आपका स्टर्नम है, रिब्स हैं, ये हमारे लंग्स को हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ये भी एक एग्जांपल किसका है आपका फ्लैट बोन का है। फिर आता है नंबर थर्ड इज इरेगुलर बोन्स, इरेगुलर बोन्स हैविंग ए कॉम्प्लेक्स शेप, कॉम्प्लेक्स शेप मतलब इनका कोई शेप नहीं होता है, दे हैव ए डिफरेंट अमाउंट ऑफ स्पॉन्जी कॉम्पैक्ट, डिफरेंट अमाउंट में स्पॉन्जी टिश्यू भी होते हैं इसमें और कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमारी वर्टिब्रा है, हिप बोन्स हैं, दीज आर द कम इन टू द इरेगुलर बोन्स। फिर आप बात करते हैं नंबर लास्ट इज द सिस्माइड बोन्स, नंबर लास्ट इज द सिस्माइड बोन्स,
Sesamoid bones have the sesame like shape, and sesame bones protect the tendons from the एक्सेसिव वियर एंड टीयर्स. बेसिकली ये सिस्माइट बोन जहाँ प्रेजेंट होगी वहाँ पर टेंडेंस को तोड़ने या टेंडेंस के टूटने फूटने से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. दे आर मोस्टली प्रेजेंट इन द जॉइंट्स, जैसे पटेला बोन से होती है वो एग्जाम्पल के सिस्माइट बोन की है, जहाँ पर आपके टेंडेंस लिगामेंट्स को ब्रेक डाउन होने के लिए बचाने का काम ये करती है. तो ये आपके कंप्लीट हो गया टाइप ऑफ बोन्स. फिर है आपका एक नेक्स्ट चैप्टर एक्सियल स्केलेटन. ठीक है, तो एक्सियल स्केलेटन में बेसिकली हमें क्या पढ़ना है, यहाँ हम डिटेल में एक्सियल स्केलेटन पढ़ेंगे, फिर ऐसी डिटेल में हम अपेंडिक्स स्केलेटन पढ़ेंगे. एक्सियल स्केलेटन में आपके बेसिकली पहले स्कल देखेंगे, स्कल के बाद वर्टीब्रा कॉलम देखेंगे, फिर थोरिक केस देखेंगे. ठीक है, तो वैसे आज हम स्टार्ट करते हैं स्कल. स्कल यानी कि जो हमारी खोपड़ी है उसकी बोन्स की बात करेंगे. द स्कल रेस्ट ऑन द अपर एंड ऑफ द वर्टीब्रा कॉलम. जैसे स्कल हमारा जो है वो कहाँ, वर्टीब्रा कॉलम के अपर एंड पे रखा हुआ होता है. द स्कल बोन्स आर ग्रुप्ड इनटू द टू कैटेगरी. और स्कल बोन्स जो होती हैं उनको हम दो कैटेगरी डिवाइड कर सकते हैं, पहला आपका क्रेनियल बोन्स, दूसरा आपका फेस बोन्स. क्रेनियल बोन्स की क्वांटिटी कितनी होती है, 8 होती है, और फेसियल बोन की क्वांटिटी कितनी होती है, 14 होती है. तो देखें क्रेनियल बोन्स क्या है, दीज आर द 8 क्रेनियल बोन्स फ्रॉम द क्रेनियल कैविटी. तो 8 जो क्रेनियल बोन्स होती हैं वो हमारे क्रेनियल कैविटी का फॉर्मेशन करती हैं, विच इंक्लोज एंड प्रोटेक्ट द ब्रेन. जिसके अंदर क्या होता है, ब्रेन होता है वो आपका प्रोटेक्ट रहता है, ब्रेन आपका प्रोटेक्शन ब्रेन के अंदर रखा हुआ होता है और उसे प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड करती हैं. दीज बोन ज्वाइंट बाय द फाइब्रस जॉइंट्स एंड कॉल्ड सुचर्स. और ये आपस जो बोन जो बोन्स होती हैं क्रेनियल बोन्स, ये आपस में एक फाइब्रस जॉइंट जुड़ी होती हैं जिसे हम सुचर्स बोलते हैं. एंड क्रेनियल बोन्स हैव ए वेरियस नंबर ऑफ फॉर्मिना एंड फ्यूसर्स फॉर द पासेज ऑफ ब्लड वेसल, लिम्फेटिक लिम्फ वेसल एंड नर्व्स. इसके अलावा क्रेनियल बोन्स में बहुत सारे छोटे होल्स होते हैं, उसे फ्यूसर्स के नाम से जाते हैं, और बड़ा होल होता है उसे फॉर्मिना के नाम से जानते हैं. इन छोटे बड़े बड़े जो होल होते हैं फर्मिना और फिसर्स हैं, उससे क्या होते हैं ब्लड वेसल्स हैं, लिम्फ वेसल्स हैं, नर्व्स होती हैं, ये पासेज होके आती जाती रहती हैं. अब कौन कौन सी बोन होंगी क्रेनियल बोन्स में, फ्रंटल बोन्स एक होती है, फिर पैराटल बोन दो होंगी एक लेफ्ट में एक राइट में, फिर टेम्पोरल बोन भी दो होती हैं एक लेफ्ट में राइट में, ऑर्बिटल बोन जस्ट हमारे पीछे होती है जैसे एक एक होती है. अब सेफेनाइट बोन जो हमारा एक सेफेनाइट एथमाइट बोन, बोथ आर बोन्स फॉर्म द फ्लोर ऑफ द क्रेनियल कैविटी. क्रेनियल कैविटी का फ्लोर का नीचे वाला पोर्शन बनाते हैं, सेफेनाइट आगे है, एथमाइट पीछे है. तो इस तरीके से कितनी बोन होंगी, 8, एक फ्रंटल, दो पैराटल, दो टेम्परल यानी 5, उसके जैसे 3 आपकी, एक ऑर्बिटल, एक सेफेनाइट और एक एथमाइट. ठीक है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर सबसे आगे क्या आपको दिख रही है, जरा आप पॉइंट वो मार्कर ले लें तो आपको समझाएंगे अच्छे से. ये आपकी कौन सी होगी, फ्रंटल बोन्स. फिर आपकी कौन सी, पैराटल. कितनी होंगी, दो, एक लेफ्ट में एक राइट में. फिर आपकी कौन से हुई, टेम्परल बोन. कौन सी, टेम्परल, दिस इज द टेम्परल बोन. ये भी कितनी होंगी, दो होंगी लेफ्ट में और राइट में. तो 1, 2, 2, 4, 5 हो गई. फिर ऑर्बिटल 6, ऑर्बिटल जस्ट पीछे वाली है 6. अब बच्ची कितनी, दो बोन. ये आपकी होती इथमाइट बोन, जस्ट आई के पीछे वाली हो गई इथमाइट बोन्स. कितनी हुई, 7. और जस्ट फिर इसके पीछे होती है वो कौन सी है, ये आपकी सेफेनाइट बोन. टोटल कितनी हुई, 8. तो यानी कि फ्रंटल बोन्स, फिर पैराटल बोन्स, फिर टेम्परल बोन्स 2, 2, 4, 1, 5, फिर ऑर्बिटल 6, फिर आपकी दो बची इथमाइट और सेफेनाइट. इथमाइट एंड सेफेनाइट मिला के कितनी हो जाएंगी, 8 बोन हो जाएंगी. ठीक है, तो इस तरीके से 8 बोन हमारे प्रेजेंट होती है. फ्रंटल बोन क्या है, द फ्रंटल बोन फ्रॉम द फॉरहेड और द रूफ ऑफ द ऑर्बिट ऑर्बिट ऑफ द मोस्ट ऑफ द एंटीरियर पार्ट ऑफ द क्रेनियल फ्लोर एंड सीन सुपीरियर टू द आई सॉकेट एंड आई सॉकेट. द फ्रंटल बोन हैविंग ए मोर थिकनेस फॉर्मिंग ए सुपीरियर सुपर ऑर्बिटल मार्जिन. यानी कि फ्रंटल बोन जो है वो आपके फॉरहेड पोर्शन में होती है. बेसिकली ये आपके जो आई ऑर्बिट होती है, जैसे आई सॉकेट होती है, उसका रूफ का फॉर्मेशन करती हैं. मोस्ट ऑफ द एंटीरियर पार्ट ऑफ क्रेनियल का मोस्ट ऑफ द एंट्री पार्ट जो होता है, आगे वाला पार्ट होता है, उससे क्रेनियल फ्लोर का फॉर्मेशन भी किससे होता है, फ्रंटल बोन से होता है. सुपीरियर टू द आई सॉकेट के ऊपर जो फ्रंटल बोन होती है उसमें कुछ हाई थिकनेस होती है, जिसे हम सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन के नाम से जानते हैं. फिर आती है पैराटल बोन्स. द टू हैव पैराटल बोन्स फ्रॉम द ग्रेटर पोर्शन ऑफ द साइड ऑफ द रूफ ऑफ द क्रेनियल कैविटी. ग्रेटर ऑफ साइड रूफ का फॉर्मेशन जो मेजोरिटी करते हैं वो आपके पैराटल बोन्स करेंगी. पैराटल बोन्स एक लेफ्ट में होगा और एक राइट में होती है.
साइड में, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में। फिर आती है टेम्परल बोन। तो टेम्परल बोन्स फॉर्म द इन्फीरियर लेटरल पार्ट ऑफ द क्रैनियल फ्लोर, इन्फीरियर लेटरल पार्ट ऑफ द क्रैनियल फ्लोर का फॉर्मेशन करते हैं जो ईयर के पास में होती है। एंड द टेम्परल बोन्स, टेम्परल स्कोमा इज अ थिन एंड फ्लैट पार्ट ऑफ द टेम्परल बोन। इन्फीरियर टेम्परल स्कोमा फॉर्म द जैगोटिक प्रोसेस विच फॉर्म द ज्वाइंट विद द टेम्परल प्रोसेस ऑफ जैगोटिक बोन्स। यानी कि जो हमें टेम्परल बोन्स है, टेम्परल स्कोमा है, वो आपका थिन एंड फ्लैट टेम्परल बोन का फॉर्मेशन करते हैं। और इन्फीरियर टेम्परल स्कोमा के साथ में एक जैगोटिक प्रोसेस होती है। जैगोटिक प्रोसेस की हेल्प से ये जो होती है जैगोटिक बोन जो हमारी फेस में होती है उसके साथ में ये फ्यूज होके रहती है। फिर आता है ऑर्बिटल बोन्स। ऑर्बिटल बोन्स, द ऑर्बिटल बोन्स फॉर्म द पोस्टीरियर पार्ट एंड मोस्ट ऑफ द बेस ऑफ द क्रैनियम। ऑर्बिटल बोन जो होती है हमारे जस्ट पीछे प्रेजेंट होगी, पोस्टीरियर पार्ट में जो होती है, और बेस ऑफ द स्कल का फॉर्मेशन करती हैं। इट जॉइन द पैरेटल बोन्स सुपीरियरली एंड लिवेनॉइड स्ट्रक्चर्स। और ये पैरेटल बोन्स से ही सुपरली जॉइंट होती हैं, जिससे किसी जो जॉइंट फॉर्म करता है उसे हम लिफनॉइड स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। फोरामिना मैग्नम इज अ लार्ज ओपनिंग ऑफ इन्फीरियर पोर्शन ऑफ दिस बोन्स। और जो ऑर्बिटल बोन होता है उसमें फोरामिना मैग्नम एक लार्ज ओपनिंग होती है थ्रू विच स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट द विद द मेडुला ऑब्लिगेटा, जिसकी वजह से क्या होता है स्पाइनल कॉर्ड इसी होल से होती है हमारी मेडुला ऑब्लिगेटा और ब्रेन से कनेक्ट हो जाती है। एंड द वर्टिब्रल स्पाइनल आर्टरी ऑल्सो पास थ्रू इट। और कुछ वर्टिब्रल और स्पाइनल आर्टरी होती हैं वो भी इसी से ब्रेन के अंदर आती हैं और बाहर जाती हैं। ठीक है, फिर आती है आपके सेफेनाइट बोन और इथमाइट बोन। सेफेनाइट बोन क्या है, परमानेंट बोन प्रेजेंट इन द मिडल पार्ट ऑफ द बेस ऑफ द स्किल्स। जो हमारा बेस ऑफ स्किल है मतलब उसका फ्लोर है किसका, ब्रेन लिक्विडिटी का, उसका मिडल पोर्शन कौन बनाता है, सेफेनाइट बोन बनाएगा। दिस बोन इज अ की स्टोन ऑफ द क्रैनियल फ्लोर बिकॉज इट फॉर्म ए जॉइंट विद ऑल अदर क्रैनियल बोन्स एंड होल्डिंग देम टुगेदर। और एक तरह से की स्टोन बोन भी बोलते हैं क्योंकि ये जितनी बोन, जितनी हमारी क्रैनियल बोन होती है सभी जिस बोन के साथ में ये जॉइंट का फॉर्मेशन करती है, इसलिए इसे सेफेनाइट बोन को हम की स्टोन ब्रिज भी बोलते हैं। इट आल्सो कंटेन ए ऑप्टिक फॉर्मिना। ऑप्टिक फॉर्मिना इसमें होता है जिसकी हेल्प से ऑप्टिक नर्व्स हमारी ब्रेन तक इस होल से होते हुए हमारी ब्रेन तक पहुँचती है। द पैसेज ऑफ ऑप्टिक नर्व्स ऑन ऑप्थैलमिक आर्टरी। फिर बसती लास्ट आपकी इथमाइट बोन्स। इथमाइट बोन्स इज द लार्जेस्ट क्रैनियल बोन्स होती है। ऑक्यूपाई द एंटीरियर पार्ट ऑफ द बेस ऑफ द स्किल, एंटीरियर पार्ट ऑफ बेस ऑफ द स्किल का फॉर्मेशन करेगी। इट इज़ द एंटीरियर टू द सेफेनाइट एंड पोस्टीरियर टू द नेजल बोन्स। ये जस्ट आपके सेफेनाइट बोन के आगे और नेजल बोन के पीछे प्रेजेंट होती है। एथमाइट बोन्स फॉर्म ए पार्ट फॉर्म द पार्ट ऑफ एंटीरियर पोर्शन ऑफ द क्रैनियल फ्लोर, एंटीरियर पोर्शन ऑफ द क्रैनियल फ्लोर, मिडिल वॉल ऑफ द ऑर्बिटिक्स एंड सुपीरियर पोर्शन ऑफ द नेजल स्पेक्ट्रम एंड मोस्ट ऑफ द सुपीरियर साइड वॉल्स ऑफ नेजल कैविटी। यानी इथमाइट बोन है वो आपका एंटीरियर पोर्शन ऑफ क्रैनियल फ्लोर बनाएंगे, साथ में जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट जो हमारी आई ऑर्बिट है उसके मिडिल वॉल का फॉर्मेशन करते हैं और सुपीरियर पोर्शन ऑफ द नेजल स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन करते हैं। कौन आपकी इथमाइट बोन्स। इसके अलावा क्या है, द इथमाइट बोन्स इज अ मेजर सुपीरियर सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ नेजल कैविटी। और ये आपका फ्रंट वाले पोर्शन में एक तरह से मेजर सपोर्टिंग स्ट्रक्चर हो जाता है नेजल कैविटी। कौन, इथमाइट बोन्स। ठीक है, एक क्वेश्चन और अक्सर आता है कि बटरफ्लाई स्ट्रक्चर ऑफ क्रैनियल बोन्स का फॉर्मेशन कौन करता है, तो वो सेफेनाइट बोन होती है। अगर सेफेनाइट बोन को आप स्कल खोलें, क्रैनियल कैविटी खोल के उसको देखें, उसके स्ट्रक्चर को, तो आपके बटरफ्लाई का स्ट्रक्चर कौन सी बोन दिखती है, सेफेनाइट बोन्स। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ आपका स्कल। अब जो बचा आपका फेस की बोन्स, इसको हम कल डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो फेस की बोन्स को हम कल डिस्कस करते हैं। इस तरीके से फिर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैं समझता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई चीज़ नहीं क्लियर हो रही हो, तो कमेंट बॉक्स में आप सब लोग पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपको लगता है ये किसी वीडियो किसी को हेल्पफुल हो सकता है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।